हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हाजिर है एक नए वर्ड मीनिंग के साथ में। आज का वर्ड है कैंडर। कैंडर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ, मीन्स किसी भी बात को स्पष्ट बोलना, सत्यता के साथ बोलना। ठीक है, अक्सर देखा जाता है नेताओं में बिल्कुल कोई भी बात को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। जैसे आजकल देखा जा रहा था रैलीज में, खटाखट खटाखट लाख रुपए भेजा जा रहा था, 5 किलो राशन, किसी का 10 किलो राशन भेजा जा रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल वो तोड़ मरोड़ के वोट लेने के लिए ऐसी बातें बोली जा रही थी और लोग उसमें डिलेमा में पड़ भी गए। वही नेताओं में एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, जो बिल्कुल स्पष्ट बातों को बोलते थे। ठीक है, तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, है ना। वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। ठीक है, तो ये इनके याद में कुछ लाइनें हैं। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिनोनिम्स ऑनेस्टी, कैंडिडनेस, फोर्थराइटनेस होगा। ये सिनोनिम्स होगा किसका? कैंडर का। एंड एंटोनिम्स क्या होगा? इनसिंसियरिटी, बायस एंड कनिंग, मींस किसी के टुवर्ड्स बायस्ड है, बातों को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, चापलूसी, चतुर दिमाग लगा रहा है अपना। ठीक है, या अस्पष्ट कोई भी बात को बोल रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी स्पोक विद कैंडर अबाउट हर लाइफ। कोई एक लेडी है, जैसे हम देखें एक्ट्रेस कंगना रनावत हैं, वो अपने बातों को बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, तो उनके लिए ये वर्ड मीनिंग बहुत सुटेबल रहेगा। आगे यहाँ पे एग्जांपल भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल, अपने जीवन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बातें किया। ठीक है, ऐसे ही साथ में बने रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।